पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी बड़े बहुमत के साथ यहाँ से जीतेंगे। लोगों का माहौल क्या होता है, लोगों के मन में होती है, दिल में होती है, लोगों के दिल में बदलाव है, तो लोग ये खट्टर दुष्यंत सरकार को बदलना चाहते हैं। तीनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में थे, तीनों उम्मीदवार कुछ महीने पहले कहते थे कांग्रेस ही अच्छी है, कांग्रेस और हुड्डा साहब को निशाने पर रखने का काम किया था, इसीलिए अभय सिंह आज एक सीट पे आ गए। लोग इस चुनाव में बीजेपी के साथ साथ बीजेपी की बी टीम और सी टीम को भी साथ में लपेटे मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। आदमपुर का चुनाव उफान पर है और मेरे साथ हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। व्यस्त समय उनका इस प्रकार से, मान लीजिए कि एक तो नेशनल लेवल पर एक चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो चुनाव है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ अब आदमपुर का जो चुनाव है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कड़ी चुनौती है, दो दो चुनाव एक साथ हैंडल करने पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस का तो चुनाव कल हो ही जाएगा। मुझे धन्यवाद करता हूँ खड़गे जी ने, मुझे अपना चुनाव का उन्होंने एजेंट बनाने का काम किया है और मेरे को जिम्मेदारी दी है। हमें विश्वास है वो जीतेंगे। जहाँ तक आदमपुर की बात है, हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी, हमारे उम्मीदवार जयप्रकाश जी बड़े बहुमत के साथ यहाँ से जीतेंगे। अभी जिस प्रकार से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जिस दिन से आपने यहाँ पे कैंप किया, आना शुरू किया, बहुत सारी पार्टियों के लोग कांग्रेस की तरफ आ गए हैं। लगता है कि दीपेंद्र थोड़ा सा अभी समय जैसे ही देंगे उस चुनाव से फारिग होकर के, माहौल एक बदलेगा और ये चुनाव हम जीतेंगे, यहाँ माहौल बन चुका है। लोगों का माहौल क्या होता है, लोगों के मन में होती है, दिल में होती है, लोगों के दिल में बदलाव है। लोग ये दो चीज़ों से असंतुष्ट हैं, एक तो बीजेपी जेजेपी की जो खट्टर दुष्यंत सरकार है, जिस खट्टर दुष्यंत सरकार ने हरियाणा के आज नौजवान के भविष्य को चौपट करने का काम किया, विकास ठप, अर्थव्यवस्था चौपट, महंगाई ने सबका घर का बजट बिगाड़ दिया, बेरोजगारी नशे की तरफ हमारी नौजवान पीढ़ी को धकेल दिया इस सरकार ने। जो हरियाणा देश में नंबर एक होता था, वहाँ आज हर गरीब आदमी उस सरकार की नीतियों से त्रस्त हो गया, परेशान है बेरोजगारी महंगाई की वजह से, आज किसान परेशान है, आज छोटा व्यापारी पर हर वर्ग। तो लोग ये खट्टर दुष्यंत सरकार को बदलना चाहते हैं, इनको दोबारा से 5 साल नहीं चलाना चाहते, पहला तो बदलाव ये। दूसरा, जो यहाँ के विधायक हैं उनकी कार्यशैली, जो जैसी जनप्रतिनिधि की कार्यशैली होती है, 24 घंटे लोगों के बीच में रहने की बात होती है, लोगों के सुख दुख में शामिल होकर लोगों के विकास कार्यों के लड़ाई लड़ने की बात होती है, लोगों के कामों को ऊपर रखने की बात होती है, ये अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं, बार बार कभी उपचुनाव करा देते हैं, कभी राज्यसभा में किसी पार्टी को वोट दे देते हैं, तो लोगों से ऐसा खिलवाड़ कैसे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लोग बदलाव चाहते हैं, लोग आदमपुर में बदलाव चाहते हैं, और लोग बीजेपी जेजेपी सरकार से बदलाव चाहते हैं, और हरियाणा में जो बदलाव है उसकी शुरुआत भी आदमपुर से। जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार के तौर पे उतारा, अब जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में आए, लोगों का रुझान देखते हैं, निर्णय को लेकर के संतुष्टि है? ये मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश जी एक बहुत सुलझे हुए और एक मजबूत ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी लाई है। वो अकेले एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले कई साल में एक बहुत नज़दीकी मुकाबला जो है 2009 के अंदर करने का काम किया था कुलदीप बिश्नोई जी से। वो 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 12 साल तक हिसार के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है अपने जीवन में, बहुत संघर्ष किया है, और बहुत नज़दीकी मुकाबला में थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, लेकिन इस बार वो कसर नहीं रहेगी, क्योंकि उन इस बार जो है दिन और रात हम लोग सारे मिलकर मेहनत कर रहे हैं, और इस बार लोगों ने अपने पहले से ये मन बना रखा है। कुरड़ाराम जिस प्रकार से गए हैं, कुछ डैमेज मानते हैं? देखिए, मैं कोई भी किसी भी उम्मीदवार के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन तीनों उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में थे, तीनों उम्मीदवार कुछ महीने पहले कहते थे कांग्रेस ही अच्छी है, कांग्रेस ने किसानों की लड़ाई लड़ी, हुड्डा साहब ने गरीब की लड़ाई लड़ी, सबसे ज़्यादा पेंशन देश में उनके टाइम थी, और बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, तीनों उम्मीदवार कहते थे। अब वो रातों रात हो सकता है किसी को टिकट ना मिली हो, लेकिन वो फिर कहीं और गए, तो अपने खुद के निजी कारणों से, स्वार्थ की वजह से गए। वो जो बात जो कह रहे थे वो बात थोड़ी बदली, वो बीजेपी ने अगर भट्टा पहले बिठा दिया था तो बीजेपी ने अभी भट्टा बिठा दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी होगी, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वो क्या कहते हैं आम आदमी के हों, चाहे वो इनेलो के हों। और आम आदमी पार्टी और इनेलो पार्टी आज प्रदेश की राजनीति में बीजेपी की बी और सी टीम बन के बनी उभर के आई है। यही तो इनेलो ने पिछले 5 साल किया था कि उन्होंने निशाने पर बीजेपी को रखने की बजाय, खट्टर सरकार को रखने की बजाय, कांग्रेस और हुड्डा साहब को निशाने पर रखने का काम किया था, इसीलिए अभय सिंह आज एक सीट पे आ गए। और यही आम आदमी पार्टी ने जब से शुरुआत करी हरियाणा में,
वो बीजेपी को निशाने पे लड़ाई रखने की बजाय वो हमको निशाने पे रख रही है, वो हुड्डा साहब को और मेरे को निशाने पे ले रही है। क्यों भाई, हम तो बीजेपी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कहाँ थे जब किसान आंदोलन के अंदर एक के बाद एक सब धरनों से वापस आ रहे थे, तब आप आम आदमी पार्टी कहाँ दिखाई दे रही थी। जब हरियाणा के गरीब आदमी पे ये सरकार, गरीब आदमी पे, हरियाणा के दलित भाइयों पे ये सरकार उनके हकों को छीनने का काम कर रही थी, तब कहाँ थे आप लोग, तब आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी की बी और सी टीम बन के जो ये आए हैं, प्रदेश के बदलाव में गतिरोधक ये पैदा करना चाहते हैं, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग इस चुनाव में बीजेपी के साथ साथ बीजेपी की बी टीम और सी टीम को भी साथ में लपेटे मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक लास्ट सवाल हो रहा है, खड़गे जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपने इस्तीफा भी दिया, रिजल्ट क्या लगते हैं? जीतेंगे, खड़गे जी भी जीतेंगे और भाई जयप्रकाश भी जीतेंगे। अभी मेरे साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो कि साफ तौर पर काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं बीजेपी पे, साथ के साथ इनेलो और इसके साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया है। पर जिस प्रकार से ये आरोप लगाते हैं इन पार्टियों पर, विशेष तौर पर इनेलो और आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, इस बात से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।